हमने गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है, ये हमने देख लिया है. सो नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी थी वो क्या थी, सप्लाई. कि सप्लाई एक्चुअल में होता क्या. देखो हम स्टार्टिंग से सप्लाई सप्लाई पढ़ रहे हैं. सप्लाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं है सेल, उसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है. मेजरली बात करूँ तो सेल से रिलेटेड ही होता है, बट पूरे जीएसटी में ना, सारे में पूरे जीएसटी में जो वर्ड यूज करा है वो यूज करा है सप्लाई. जीएसटी किस चीज को जानता है, सप्लाई को जानता है. सप्लाई के अंदर एक चीज आती है, वो है सेल्स. समझ में बात. सेल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली यूज फॉर गुड्स. नॉर्मली सेल में किसके लिए बात कर रहा होता हूँ, गुड्स के लिए, जबकि मैं तो सर्विस भी करता हूँ ना, तो इसलिए सप्लाई वाइडर टर्म है. इन केस ऑफ सर्विस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस. सर्विस के केस में मैं क्या बोलता हूँ, प्रोवाइड करना. सो उसी को कहता हूँ प्रोविजन ऑफ सर्विस. सो सेल का मतलब गुड्स से रिलेटेड होता है. सर्विस की अगर सेल करता हूँ तो उसको क्या कहता हूँ, प्रोविजन ऑफ सर्विस. सप्लाई के अंदर दूसरी चीज क्या इंक्लूड है, ट्रांसफर. जब मैं अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या अपने वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, गोडाउन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो उसको भी सप्लाई माना जाता है. यहाँ पे तो सप्लाई जो मैं कर रहा हूँ, जो ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर में मैं पेमेंट नहीं चार्ज करता हूँ, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ. तो मेरी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है ना कि वहां पे सामने से कोई चार्ज करूंगा. और गोदाम में सामान भिजवा रहा हूँ तो वहां पे भी तो जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, मतलब उनसे प्राइस चार्ज नहीं करूंगा, बट ये सप्लाई के अंदर आ जाएगा. तो डेफिनेशन क्या कहती है, सप्लाई है मतलब इस पे भी जीएसटी चार्ज हो जाना चाहिए. वैसे बार्टर, सामान के बदले में सामान जब आप लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पैसा, मनी, करेंसी होना इसमें कंपलसरी है सप्लाई में, उसमें कुछ भी हो सकता है. मैंने मोबाइल लिया, आपसे लैपटॉप लिया, तो यहाँ पे भी सेल हो गई हमारी, सो इस पे भी जीएसटी चार्ज हो जाएगा. एक्सचेंज, एक्सचेंज भी सेम ही चीज है कि मतलब एक चीज के बदले में दूसरी चीज ले रहा हूँ. लाइसेंस किसी चीज का, अगर आप लाइसेंस वगैरह ले रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है. रेंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है. लीज के ऊपर, लीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेंट होता है एक तरह से, ठीक है ना. सो उस पर भी जीएसटी आ जाता है. और डिस्पोजल मतलब क्या होता है, सेल ऑफ मशीनरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिस लाइफ एज अ स्क्रैप. स्क्रैप में सेल कर देना, जब मैं खराब हो जाती है चीज, एकदम रद्दी में सेल कर देता हूँ ना, सो उसको क्या कहते हैं, डिस्पोजल. तो अगर मैं स्क्रैप में भी सेल कर रहा हूँ ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कबाड़ में भी सेल कर रहा हूँ, सो उससे भी मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. कुछ तो पैसे अर्न कर रहे हो ना, तो जीएसटी चार्ज करो, ठीक है. सो ये मेरा क्या हो जाता है, सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाते हैं ये सारी चीजें, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल. सो इन सबको आप क्या कर लो, नोट कर लो, इन पता होना मेरा जरूरी है. फिर इसके अलावा क्या हो जाता है कि इसमें मुझे क्या मिलनी चाहिए, कंसिडरेशन मिलनी चाहिए. फ्री फंड नहीं होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए. और लास्ट में क्या होता है, ये बिजनेस रिलेटेड वर्क होना चाहिए.